चेंज ऑफ पेस का प्लान है, फास्ट बॉलर को बुलाया गया है अटैक। तो गाइस दो ओवर्स हैं और हमें तीन विकेट चाहिए, तो हमारा जो मैच है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि शाह अफरीदी जो है वो अपने इस ओवर में बैट्समैन के रिदम को बदलना चाहते हैं, साइड बदली दो है, लेकिन ले सकते हैं ये बदलने का गेंदबाज का। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग, अच्छी गेंद को फेंका, आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन, तोहफे में दे गए अपनी विकेट। उछले बल्लेबाज जरूर हैं ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं। अब जो है आज के दिन की 9 गेंद बाकी हैं और पाकिस्तान के जो है वो 2 विकेट चाहिए, तो देखते हैं कि 2 विकेट मिलती हैं हमें या नहीं। और ये शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड कर दिया है, भाई वाह। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, अब तो सिर्फ उछले बल्लेबाज बचे हैं, लेकिन नेवर नो व्हाट माइट जस्ट हैपन। 5 बॉलों में हमें अब एक विकेट चाहिए। ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है बल्लेबाजों का ये महल, गेंदबाजी दुरुस्त। पाकिस्तानी मैच वो मुकाबला है जो लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, आज हमने अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखा है। पहले ही दिन टेस्ट मैच खत्म, गेंद के साथ जादूगर कहते हैं इनको, आज इनके इशारों पे नाच रही थी गेंद और साथ में बल्लेबाज भी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इस गेंदबाज के जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। टेस्ट क्रिकेट की खास बात ही यही है, कंसिस्टेंसी को मिलता है रिवॉर्ड, जो खेला कंसिस्टेंटली अच्छा वो बना विजेता। द टेस्ट सीरीज हैज कम टू एन एंड। तो दोस्तों ये है मैच समरी। तो पहले हमने बैटिंग फर्स्ट की और 5 ओवर में 38 रन बनाए सिर्फ, और फिर डिक्लेयर कर दी, और फिर बाद में इंग्लैंड को हमने सिर्फ और सिर्फ 16 रन पर हमने ऑल आउट कर दिया। फिर हमने बैटिंग ली, पाकिस्तान के 2 आउट हो गए, रन आउट हुए और 28 रन बनाए सिर्फ पाकिस्तान ने। और उसके बाद था जी इंग्लैंड को हमने ऑल आउट करना था, 50 रन का टारगेट दिया था हमने इंग्लैंड को, और एक ही दिन में हमने था कि ऑल आउट करना है, और 26 रन पर उनको ऑल आउट कर दिया। और ऐसे ही एक दिन में मैच जो है हमारा ख़त्म हो गया, हमें एक ओवर में 2 विकेट चाहिए थी। तो शाहीन शाह अफरीदी से हमने बॉलिंग करवाई लास्ट ओवर और उसने 2 बॉलों पर 2 विकेट लिए।